हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज इलेक्ट्रिकल पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इसरो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन कराने वाला हूं, ठीक है। और यह जो क्वेश्चन है इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु का है, जो कि 27 नवंबर 2016 को यह पेपर हुआ था। तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं, यानी कि आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, हम इसके ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर पर आ चुके हैं। हालांकि इस क्वेश्चन पेपर को अपने हम टेलीग्राम पर दे दिए हैं, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर ज्वाइन करके सीधे डाउनलोड कर पाएंगे। तो यह क्वेश्चन जो है इसरो का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सेक्टर, यानी कि जो इसरो है वह भारत सरकार का अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत काम करती है। और यह क्वेश्चन पेपर इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु का है। जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, यह जो क्वेश्चन पूछा गया था 27 नवंबर 2016 को यह पेपर हुआ था, और टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड वालों के लिए यह क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन की संख्या 60 है, तो और सारे जो क्वेश्चन हैं आपका ट्रेड से रिलेटेड हैं। सभी क्वेश्चन को हम शानदार तरीका से सॉल्व करेंगे और कारण सहित मैं उत्तर बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, एक 120 एम्पियर हावर क्षमता वाले बैटरी 8 एम्पियर की दर से कितने अवधि तक विद्युत धारा दे सकता है। इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको दिए गए एम्पियर हावर को एम्पियर से भाग दे दीजिएगा तो आपको हावर पता चल जाएगा कि कितना देर तक आपको विद्युत सप्लाई मिलेगा। तो 120 एम्पियर हावर है और बैटरी की क्षमता, और 8 एम्पियर की दर से आप यूज़ कर रहे हैं तो यह 15 हावर आपको विद्युत धारा की सप्लाई दे सकता है। तो यह जो ऑप्शन है बी ऑप्शन में है, तो पहला का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, BIS कोड के अनुसार भूसंपर्क के लिए उपयुक्त तार का रंग क्या होता है। भूसंपर्क यानी कि अर्थिंग के लिए, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो अर्थिंग के लिए जो प्रयोग किया जाता है ग्रीन वायर का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल हम दूसरा का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए, जबकि फेज के लिए हम RYB का प्रयोग करते हैं, रेड येलो और ब्लू का, ठीक है। और न्यूट्रल जो होता है न्यूट्रल के लिए काला वायर का प्रयोग करते हैं। तो फिलहाल हम दूसरा का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, MCCB एक डॉट डॉट है, यानी कि MCCB का फुल फॉर्म क्या होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। MCCB का फुल फॉर्म जो होता है मॉडुलेट के सर्किट ब्रेकर होता है। तो फिलहाल हम तीसरा का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। इसी प्रकार MCB का फुल फॉर्म जो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ELCB का फुल फॉर्म जो होता है अर्थलिकेज सर्किट ब्रेकर होता है। RCCB का फुल फॉर्म जो होता है रेजिडुअल के सर्किट ब्रेकर होता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हम तीसरा का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, प्रतिष्ठम का मात्रक क्या होता है। प्रतिष्ठम को हम रिलक्टेंस बोलते हैं, और रिलक्टेंस का यूनिट क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो चौथा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। रिलक्टेंस का जो यूनिट होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन चौथा का सी के साथ चला जाएगा। बात हुई है रिलक्टेंस की, तो थोड़ा सा इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट बता देते हैं आपको। जिस प्रकार विद्युतीय क्षेत्र में प्रतिरोध धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसी प्रकार यह चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न फ्लक्स में बाधा का विरोध करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चौथा का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, फ्यूज को डॉट डॉट संयोजित करना चाहिए, यानी कि फ्यूज को हम कैसे जोड़ते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। एक ऑप्शन इसका नीचे में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा तो एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 5वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। फ्यूज हो या स्विच हो, इसको हम
चालक के सीरीज में जोड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा पांचवा का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज की, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया है, एक दंड चुंबक के चारों ओर बल रेखाएं का प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि यह एक चुंबक है, ठीक है। इसमें चुंबकीय रेखाएं कैसे बनेगा ये आपसे पूछा गया है। एन और ए, चुंबक के बाहर जो चुंबकीय बल रेखाएं बनती है वो नॉर्थ से साउथ की ओर बनती है, जबकि आपसे अगर चुंबक के अंदर पूछेगा तो साउथ से नॉर्थ होगा। तो चुंबक के बाहरी में जो बनेगा नॉर्थ से साउथ, जो कि राइट ऑप्शन डी में ही, इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद आसान क्वेश्चन है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर और जबकि चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। तो फिलहाल हम छठा का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा गया है, एक 50 माइक्रोफेराड धारिता के एक संधारित्र को 200 वोल्ट के विभव ऊर्जा तक चार्ज किया गया है, ठीक है। तो उसमें संचित ऊर्जा क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसके लिए एक फार्मूला का आवश्यकता पड़ेगा, जो कि संचित ऊर्जा को निकालने के लिए 1/2 CV² का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें सी का वैल्यू जो है 50 माइक्रोफेराड दिया हुआ है और वी का वैल्यू जो है 200 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखेंगे 1/2, सी का वैल्यू जो दिया है 50 माइक्रोफेराड है, तो यहाँ पर 50 गुने कर देंगे 10^-6, माइक्रो को -6 लेते हैं और यहाँ पर भी का स्क्वायर है ना, तो 200 का हम स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर 2×2=4 हो जाएगा, 4×4=0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे इस तरह से लिख पाएंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पर देखिएगा, 4 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, 5, और इसको गुना कीजिएगा तो 1 0 मिल जाएगा, जो कि 5×5=20 हो जाएगा, यानी कि 2×6=0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा 2×6=0, और ए 6 0 से ए 6 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 10^-6 का ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 2/2, और 2/2 को काटिएगा तो 1 जूल, जो कि राइट ऑप्शन ए में है, इसे आप आसानी से मिला लीजिएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, सातवां का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज के, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आठ, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आठ में पूछा गया है, नारंगी लाल भूरा तथा स्वर्णिम रंग बैंड वाले एक कार्बन प्रतिरोध का मान .. होगा। तो यहाँ पर सब आपका टॉलरेंस एक ही दिया हुआ है, तो आपको इसमें सहूलियत होगा पहचानने में, और यहाँ पर इधर में भी 32 है, तो डायरेक्ट आप तीसरा पट्टी यानी कि मल्टीप्लायर वाला अंक को पकड़ करके आप इसे राइट ऑप्शन को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइए थोड़ा सा लेकिन ट्रिक के साथ बता देते हैं, इसके लिए जो ट्रिक यूज करते हैं, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बी बी रॉय ROY, ठीक है, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ होता है, तो यहाँ तक हमारा टेबल में यूज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, नारंगी जो होता है यानी कि ऑरेंज, ये 3 नंबर पर होता है, ठीक है। लाल जो होता है वो 2 नंबर पर होता है, तो यहाँ पर 23 हो गया। मल्टीप्लायर वाला यानी कि ब्राउन यानी कि भूरा जो है, ब्लैक ब्राउन होता है, तो ब्राउन जो है 1 नंबर पर होता है, इसको हम 10^1 करेंगे तो ये हो जाएगा 230 हो जाएगा, ठीक है। और 230, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा 5% प्लस माइनस जो है टॉलरेंस सभी में है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट हम राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे, ठीक है। तो बेहद आसान है, इसे आप आसानी से चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, एक वस्तु की प्रगम्यता का अर्थ क्या होता है। प्रगम्यता को हम इंग्लिश में परमेबिलिटी कहते हैं, और परमेबिलिटी यानी कि प्रगम्यता, इसे चुंबकशीलता भी कहा जाता है, इसे म्यू से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, और म्यू बराबर जो होता है B/H होता है, और यहीं से इसका आपको डेफिनेशन देखने को मिल जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के अनुपात को हम परमेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया इसका अर्थ क्या होता है, तो इसके भी 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर नवा का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। चुंबकीय वस्तु और कांतीय बल रेखा तक के चलकता को हम परमेबिलिटी कहते हैं, तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर नवा का बी के साथ चूज करेंगे, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा
तो 10वां का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। हाइड्रोजन गैस यह उत्सर्जित करता है चार्जिंग के दौरान। तो लेड एसिड बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है, H2SO4 का उपयोग किया जाता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। लेड एसिड बैटरी का धनात्मक प्लेट जो होता है लेड परऑक्साइड और ऋणात्मक प्लेट स्पंजी लेड का बना होता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको लेड एसिड से संबंधित ध्यान रखने होंगे। ठीक है, फिलहाल हम 10वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, एन टाइप अर्धचालक को तैयार करने के लिए डोपिंग हेतु उपयोग किए जाने वाला पदार्थ है। तो इसके भी चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 11 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। हम जानते हैं कि एन टाइप अर्धचालक को तैयार करने के लिए पंच संयोजित तत्व का मिलान करते हैं। ठीक है, पंच संयोजित तत्व के अंतर्गत आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फास्फोरस का मिलान किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगर आपसे पी टाइप के लिए बोला जाता तो पी टाइप के लिए त्रिसंयोजित तत्वों को मिलाते हैं, इसके लिए इंडियम, गैलियम, बोरोन आदि आते हैं। ठीक है, तो 11 का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज किया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, श्रृंखला RAC परिपथ में अनुवाद आवृत्ति का निर्धारण के लिए सूत्र क्या होता है। तो इसके भी चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो अनुवाद आवृत्ति के लिए जो सूत्र होता है FR = 1/2 pi √LC होता है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर डी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, एकल शक्ति गुणांक वाले 2 वाट मीटर द्वारा 3 फेज परिपथ में शक्ति डॉट डॉट होती है, यानी कि जब पावर फैक्टर का मान इकाई होता है तब 2 वाट मीटर द्वारा 3 फेज में पावर गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जब पावर फैक्टर का मान इकाई होता है तब दोनों वाट मीटर की जो रीडिंग आती है एक दूसरे के बराबर होती है, अर्थात W1 = W2 होता है। और इस समय जब हम पावर की गणना करते हैं तो कुल शक्ति को ज्ञात करने का सूत्र बराबर जो हो जाएगा P = W1 + W2 हो जाएगा, जो कि राइट ऑप्शन ए में ही, इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, किसके अनुप्रयोग में शंट मोटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि शंट मोटर का अनुप्रयोग किस में किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 14 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। मशीन टूल्स ड्राइव में यहाँ पर शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। शंट मोटर का उपयोग हम कम लोड पर स्थिर गति चलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मशीन टूल के अलावा मोटर जनरेटर सेट, AMG सेट में, ब्लोअर में, पेपर प्रिंटिंग यानी कि छपाई वाला मशीन में इसका उपयोग करते हैं। बाकी ये इलेक्ट्रिक ट्राम या रेल में, DC सीरीज मोटर का, हाईएस्ट क्रेन में भी DC सीरीज मोटर का, ऊंच हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए भी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ये तीनों सीरीज मोटर के लिए है, जबकि यहाँ पर शंट मोटर के लिए जो है यहाँ पर मशीन औजार ड्राइव, राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, प्रतिवर्ती वोल्टता तथा धारा के परिणाम तथा दिशा को दर्शाने के लिए एक सरल रेखा तीर का निरूपित किया जाता है, उस निरूपण को हम किस नाम से जानते हैं। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। उस निरूपण को जो हम कहते हैं इंग्लिश में फेजर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, AC और DC राशि को दो अलग अलग तरीके से जोड़ा जाता है। DC में राशि का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जबकि AC में सदिशीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इस निरूपण को हम सदिश राशि कहते हैं, जो कि फेजर मात्रा, राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, DC जनरेटर में प्रेरित EMF ई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपका फ्लक्स और चालक की संख्या, घूर्णन वेग, पोल की संख्या और आर्मेचर पथ की संख्या दिया हुआ है। तो सभी तो दिया हुआ है, लेकिन आपको ज्ञात करने का जो सूत्र का प्रयोग करते हैं, राइट ऑप्शन ए के साथ चूज करेंगे। E = ∅ZN × P/60A, राइट ऑप्शन ए वाला के साथ चूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, 16 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए।
तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कौन सा जनित्र सभी लोड पर स्थिर वोल्टेज देता है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 17 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। लेवल कंपाउंड जनरेटर होता है, वह सभी लोड पर स्थिर वोल्टेज देता है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 17 का ए के साथ चूज करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया 18 में जनरल डायोड में उत्क्रम भंजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 18 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। उस प्रक्रिया को हम एवलांची इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा 18 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है सूचक उपकरण में संकेतक को चलाने के लिए आवश्यक बल डॉट डॉट होता है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 19 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। उस बल को जो हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के नाम से जानते हैं। आइए इसको हम थोड़ा सा और आपको समझा देते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक ये सूचक है और इसको अगर आगे बढ़ाने के लिए जो बल लगता है इधर, इस पॉइंटर को इधर जो आगे बढ़ाता है, इस बल को हम जो कहेंगे वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। यहाँ शून्य से इधर आगे बढ़ाएगा, शून्य से विक्षेपित करने वाले बल को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। और ये जब सुई आगे बढ़ती है तो इसके विपरीत एक बल इधर से लगता है जिसको हम कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण जो दोलन उत्पन्न होता है उस दोलन को खत्म करने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क का प्रयोग करते हैं। तो इसे आप अपने माध्यम से भी समझ लीजिएगा। फिलहाल हम 19 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया 20 में 5 एम्पियर परिपथ 800 वाट से कम अनुमत का अधिकतम प्रकाश बिंदु की संख्या कितनी होती है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं लाइट एंड फैन के लिए 10.800 वाट होता है, जबकि पावर परिपथ के लिए 3000 वाट 2 पॉइंट होता है। तो ध्यान रखिएगा 20 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है एक 4 ध्रुव एसी मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होगा। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 21 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू जो फार्मूला होता है 180 × नंबर ऑफ पोल होता है। तो नंबर ऑफ पोल कितना है, 4 है। तो यहाँ पर गुना कर देंगे तो 18 × 74 यानी कि 720 राइट ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर 21 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मोटर का अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, एक और ऑप्शन यहाँ पर नीचे में दिया गया है, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है उच्च होता है, तो राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए। और यह जो मोटर होता है एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। एसी एवं डीसी के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं, और इसकी संरचना डीसी सीरीज मोटर के समान होता है। तो ध्यान रखिएगा ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इसका कंट्रोलिंग भी आसानी से किया जा सकता है। इसका उपयोग हम मिक्सर में, ग्राइंडर, जूसर में, पोर्टेबल ड्रिल मशीन में, हेयर ड्रायर में, रेल इंजन में करते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। फिलहाल हम 22 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है यदि एक ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में फेरों को दुगना किया जाए तथा प्राइमरी में वोल्टता को आधा किया जाए तो सेकेंडरी में वोल्टता डॉट डॉट होगी। यानी कि आपसे पूछा गया कि कोई ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी में टर्न की संख्या को हम दोगुना कर दिए और प्राइमरी में वोल्टेज का मान आधा कर दिए, तो फिर सेकेंडरी में वोल्टेज का मान क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि अगर हम सेकेंडरी में टर्न की संख्या को दोगुना करेंगे तो वोल्टेज का मान में दोगुना परिवर्तन हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर उसके वोल्टता यानी प्राइमरी में वोल्टता को हम आधा कर देंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो कि राइट ऑप्शन बी में ही, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बेहद आसान क्वेश्चन है, 23 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए।
तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, जल विद्युतीय स्टेशन में उपयोग किए जाने वाला अल्टरनेटर डॉट डॉट के प्रकार होता है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जो अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है वो किस प्रकार के अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं कि हाइडल में प्रयोग किए जाने वाला जो अल्टरनेटर होता है वह निम्न गति वाला होता है, और निम्न गति वाला होता है तो वह सेलियंट पोल अल्टरनेटर होता है। राइट ऑप्शन बी में चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और सेलियंट पोल अल्टरनेटर का व्यास अधिक, लंबाई कम होता है, ठीक है, और पोल की संख्या अधिक होने के कारण इसमें गति कम होती है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 24 का बी के साथ चूज किए, बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25 बेहद आसान है, इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 25 में, ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाले नमी को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर उपयोग किए जाने वाला पदार्थ का क्या नाम है, ठीक है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है ब्रीदर में नमी को रोकने के लिए, और सूक्ष्म सिलिका जेल का जो रंग होता है वो नीला होता है। यानी कि अगर आपसे पूछेगा सूक्ष्म सिलिका जेल या फ्रेश सिलिका जेल का रंग, तो नीला होगा, और उपयोग के बाद या नमी युक्त सिलिका जेल का रंग जो होता है हल्का गुलाबी या सफ़ेद होता है, हल्का सफ़ेद, ठीक है, गुलाबी या हल्का सफ़ेद होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट पूछ लिया जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 25 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, सिक्रोनस कैपेसिटर डॉट डॉट होता है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 26 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। सिक्रोनस कैपेसिटर जो होता है वो बिना किसी लोड पर चलने वाली ओवर एक्साइटेड मोटर होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इस मोटर को हम सिक्रोनस कैपेसिटर या सिक्रोनस कंडेंसर के भी नाम से जानते हैं। तो यही यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, यांत्रिक लोड के बिना अधिक उत्तेजित समाकलिक मोटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, इंडक्शन मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति डॉट डॉट होता है। यानी कि रोटर आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 27 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। रोटर आवृत्ति बराबर जो होता है एस इंटू एफ होता है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में मोटर बार को स्प्रिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत वाक्य को आपको चूज करना है, ये आपसे पूछा गया। तो पहले आप समझ लीजिए कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसमें स्क्विंग का अर्थ जो होता है रोटर स्लॉट को तिरछा क्यों बनाया जाता है, उसके बाद हम इसके गलत वाक्य को चूज करेंगे। तो इसको तिरछा बनाने का दो तीन रीजन यहाँ पर दिया हुआ है, या कॉगिंग को रोकता है। कॉगिंग का मतलब जो होता है स्टेटर व रोटर को आपस में लॉक नहीं होने देता है, तो ये इसका तिरछा बनाने का मुख्य कारण है। और जब यह आपस में लॉक नहीं होता है इससे शुरुआत की टॉर्क यानी स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वह बढ़ जाता है, और यह जो होता है अधिक एक समान टॉर्क उत्पादन में भी मदद करता है। तो ये सब तिरछा बनाने का कारण है, लेकिन आपसे गलत वाक्य को चूज करना है तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अपने प्रचालन के समय मोटर में हमिंग को कम करता है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल हम 28 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, LT 660 वोल्ट ग्रेड केबिल में उपयोग किए जाने वाला चालक का व्यास किस पर निर्भर करता है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 29 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। हम जानते हैं कि किसी चालक का व्यास या मोटाई लोड करंट यानी कि भार धारा पर निर्भर करता है, अर्थात चालक द्वारा किसी को कितना करंट ले जाना है इसके अकॉर्डिंग हम साइज को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, जबकि अगर आपसे ऑपरेटिंग वोल्टेज के द्वारा पूछा जाएगा तो वहाँ पर केबिल का इंसुलेशन
निर्धारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि इंसुलेशन वोल्टेज के अकॉर्डिंग होता है और करंट के अकॉर्डिंग जो होता है इसका व्यास या मोटाई निर्धारण किया जाता है। तो दोनों ये ऑप्शन बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हम 29 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट में हम टोटल क्वेश्चन आंसर को कवर कर लेंगे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है स्कोट संयोजन को डॉट डॉट बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो स्कोट संयोजन आप सभी लोग जानते हैं, इसका उपयोग हम 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन यहाँ पर इसका नीचे में दिया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज करेंगे और इसका अन्य जो नाम होता है TT संयोजन होता है और इसका उपयोग हम विद्युत भट्टी में करते हैं। ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 30 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। तो ये आज का वीडियो था। वीडियो कैसा रहा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।